नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्कान फिल्म और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली खान। लाडनू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश बाकर ने किया अपना नामांकन दाखिल। संगठन के सिपाही होने के नाते और बहुत साधारण परिवार के बावजूद आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पायलट साहब ने और संपूर्ण नेतागण जो नागौर जिले के पूर्व सांसद रहे और सब लोगों ने एक बहुत भरोसे के साथ और एक बड़ा मैसेज इस राजस्थान में देने का प्रयास किया। एक टिकट मुझे नहीं दिया, ये टिकट एक कि एक आम साधारण परिवार का बेटा, एक फौजी का बेटा, अगर तो एक ये पूरे राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अभी मैंने यहाँ संपत्ति दिखाई है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, उसके बावजूद पिताजी फौज में थे, 12 बीघा जमीन है पैतृक, उसके बावजूद मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और मुझे उससे ज़्यादा बड़ी खुशी है कि मेरे साथ टिकट जो मांग रहे थे रवि जी पटेल, बड़े भाई हैं, लियाकत अली जी हैं जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, नानू राम जी चोल थे उनके सुपुत्र हैं, तो ये सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ रहने का जो आज कदम उठाया और जो सहयोग मुझे दे रहे हैं, तो इसके बदौलत एक टिकट के बाद टिकट मिलना खुशी से ज़्यादा चुनौतियाँ थी, लेकिन जब मुझे बुजुर्गों का, ब्लॉक अध्यक्ष जी का, बड़े भाइयों का सहयोग मिला तो एक अब मुझे खुशी है कि इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत इस लाडनू में करना है, वंशवाद का खात्मा इस लाडनू से करना है। जो लोग इस टिकट को और इस कांग्रेस पार्टी को अपनी बपोती समझ रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस तो हमारे घर से चलेगी, ये कांग्रेस आज के बाद ब्लॉक अध्यक्ष से, ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से चलेगी, ये मैसेज आपके मीडिया के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। लाडनू विधानसभा से अच्छे जो एक बड़े मेहनत कर रहे थे रवि जी पटेल, लियाकत जी जो आपके साथ, उनके बारे में क्या कहोगे आप? देखो, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब टिकट मेरा हुआ उसके बाद मैं जब मिलने घर गया तो इन्होंने बिना शंका के, और जब पहले इन्होंने प्रचार गाँव में किया तब भी इन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, जिसको टिकट मिले उसको आपको समर्थन करता है, तो इन्होंने समर्थन करना, तो ये मैं इनके सहयोग बिना अधूरा था, लेकिन आज जब भी मेरे मंच पे आए, मेरे को आज फोरम बनाने के लिए साथ आए, तो आज मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर और आने वाले समय में जो इस कांग्रेस पार्टी में फैसले होंगे वो मेरे जो सीनियर लोग हैं वो करेंगे, मैं इनके सिपाही के रूप में इस कांग्रेस पार्टी में काम करूंगा। युवाओं में काफी जोश देखा गया आपको, जहाँ से आप रवाना हुए दशहरा मैदान से वहाँ तक आपको लेके आए सर से बिठा के। बहुत सालों से इस लाडनू ने एक परिवार जो था उसकी राजनीति देखी है। हरजीराम जी बहुत बढ़िया आदमी थे, जिन्होंने मेहनत करी, अच्छी राजनीति उन्होंने करी, सबके प्रति सम्मान लाडनू में बनाने का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ ये आवाज है, ये आज नॉमिनेशन नहीं, एक आंदोलन है इस लाडनू में कि आने वाले समय में हर आम आदमी और हर एक युवा, हर किसान, उसकी ये कांग्रेस पार्टी है, किसी के घर से कांग्रेस पार्टी नहीं चलकर अब कांग्रेस के कार्यालयों से ये कांग्रेस पार्टी चलेगी। थोड़ा सा रामलिंग जी, थोड़ा सा बस।